विज्ञान से ऊपर आध्यात्म है, ये बात जबलपुर के संत दादा गुरु पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स की एक टीम ने भी स्वीकार कर लिया है। ये बात जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने संत दादा गुरु से मुलाकात करने के बाद कही। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दादा गुरु की महातपस्या के आगे विज्ञान भी हो गया नतमस्तक। दादा गुरु ने अपने आध्यात्म की ताकत से विज्ञान को सोचने पर कर दिया मजबूर। 4 साल से बिना कुछ खाए नंगे पैर नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं दादा गुरु। 7 दिन तक प्रदेश सरकार ने किया रिसर्च, परिणाम देख डॉक्टर्स भी हैरान। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह बोले, आध्यात्म विज्ञान से ऊपर है। मध्य प्रदेश में अद्भुत अकल्पनीय रिसर्च हुआ जिसने प्रकृति की महत्वता को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया। भैया जी सरकार के नाम से मशहूर संत दादा गुरु पर 7 दिन का रिसर्च पूरा हो गया और इस रिसर्च के बाद जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जो खुलासा किया उससे एक बार फिर आध्यात्म और सनातन संस्कृति की ताकत सिद्ध हो गई। जबलपुर मेयर ने कहा कि 7 दिन के रिसर्च के बाद डॉक्टर्स ने स्वीकार किया कि आध्यात्म विज्ञान से काफी ऊपर है। दादा गुरु ने सिद्ध कर दिया कि मां नर्मदा के जल में और वायु में ऐसा प्रताप है कि वे बिना कुछ खाए सिर्फ नर्मदा का जल पीकर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दादा गुरु 7 दिन की इस तपस्या के बाद, इस शोध के बाद मेडिकल कॉलेज में थे। मेडिकल कॉलेज में सारे डॉक्टर्स उनके साथ थे, वहां पे पूरे कैमरे लगे हुए थे। जब वो निकलते थे तो कैमरामैन उनके साथ में चलते थे। 24 घंटे की निगरानी में रहने के बाद 7 दिन की इस तपस्या के बाद दादा गुरु आज अपने धाम पर वापस आ गए। शोध पूरा हुआ, रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने सारा कुछ चेक कर लिया है और मीडिया के सामने बड़े खुलकर बोला है कि ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। निश्चित तौर पर आध्यात्म विज्ञान से ऊपर है और ये विज्ञान ने पाया है कि आध्यात्म की शक्ति क्या है, सनातन संस्कृति की शक्ति क्या है, मां नर्मदा की शक्ति क्या है और एक तपस्वी की शक्ति का क्या है। आज हम लोगों ने उनसे इस पूरे शोध के बाद दादा गुरु से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया और आगे यह हमारा मां नर्मदा का प्रताप और एक तपस्वी की तपस्या पूरे विश्व में विख्यात हो और लोग इसके मार्गदर्शन पे चलें, सनातन संस्कृति पे चलें, हमारे अध्यात्म को साथ में लेके चलें, गीता को साथ में लेके चलें, महाभारत को साथ में लेके चलें, हमारी रामचरितमानस को साथ में लेके चलें, हमारे वेदों को साथ में लेके चलें, उनके बताए हुए रास्तों पे चलें। यही सबसे बड़ा सत्य है और इस सत्य का अगर पालन होगा तो इस दुनिया में सिर्फ हरा भरा होगी ये दुनिया, पानी से पर्याप्त होगी ये दुनिया और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी इस दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने राज्य शासन को पत्र लिखा था शोध के लिए, उद्देश्य क्या था उसका? और नमस्कार, राज्य शासन को एक मैंने शोध करने के लिए पत्र लिखा था। मां नर्मदा के तट पर हम सब रहने वाले, यहां पर हम सब के बीच में रहने वाले दादा गुरु जी ने 1300 दिनों से सिर्फ मां नर्मदा के जल के अलावा कुछ भी सेवन नहीं किया और वो पूर्णतः स्वस्थ है। शोध के लिए मैंने आग्रह किया राज्य सरकार से, राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कराई। उस शोध में हुआ ये कि 7 दिन 45 डिग्री की तपती हुई धूप में नंगे पैर दादा गुरु जी ने रोजाना मां नर्मदा के तट पे परिक्रमा की, जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर 45 डिग्री पर रोज हुई। आश्चर्य आप जानेंगे कि ये पूरी यात्रा उन्होंने वायु पे की। सिर्फ रात्रिकालीन जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते थे जहां पर सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत और इस पूरी यात्रा में पूरे कैमरे लगे होते थे, जब वो वहां पहुंचते थे तो 200 ml मां नर्मदा का जल बस लेते थे। दो बातें हैं, एक हम लोगों ने तपस्वी दादा गुरु को देखा, एक हम लोगों ने मां नर्मदा का प्रताप देखा, मां नर्मदा के जल का प्रताप देखा, मां नर्मदा के तट पर उठने वाली वेव्स का प्रताप देखा। बता दें कि नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए दादा गुरु निराहार नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जब दादा गुरु के दावे पर लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे तो जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह के आग्रह पर
मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के डॉक्टर्स की टीम को रिसर्च पर लगाया और 7 दिनों तक डॉक्टर्स और कैमरों की निगरानी में दादा गुरु पर रिसर्च हुआ, जिसके बाद डॉक्टर्स भी उनके आध्यात्म और नर्मदा के जल के प्रताप को देखकर हैरान हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, जबलपुर।